तो गाइस फाइनली हमारा जो आलू दम है वो बन के तैयार हो गया। ओ गाइस देखिए कितना बूम बूम बना है हमारा आलू दम। एक्चुअली मेरे को खाना बनाना काफी अच्छा लगता है, पर पता। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आपको बना के दिखाने वाला हूँ आलू दम। आपको पता है आलू सब्जियों का राजा कहलाता है, और आलू की कोई भी डिश हो वह काफी अच्छा लगता है खाने में और काफी स्वाद आता है। तो हमने भी सोचा क्यों नहीं आज आलू दम बनाया जाए। और ये जो आलू दम बनाने जा रहा हूँ ये काफ़ी अच्छा बनेगा, क्योंकि मैं आलू दम बनाता हूँ, इससे पहले भी बना चुका हूँ, काफ़ी अच्छा बनता है। तो चलिए गाइस वीडियो में देखिए किस प्रकार से मैं आलू दम बना रहा हूँ। बाकी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा बना है। तो गाइस देखिए, तो गाइस हमने कढ़ाई गरम कर ली है और कढ़ाई में अब आलू डालेंगे। और आलू को कर लेंगे फ्राई। तो गाइस तो गरम है और हम इसे कर लेंगे फ्राई। तो आलू फ्राई करने के लिए पहले हमने आलू में छेद कर लिया था, जिससे कि ये आलू फ्राई हो जाए आसानी से। जैसे छेद छेद कर दिया था तेल में, मतलब फटने ना लगे और वो ऐसे ना हो, तेल अंदर मिक्स हो पाए। तो गाइस इसको फ्राई कर लेंगे। तो गाइस देखिए हमारे जो आलू हैं वो लाल होने लग गए हैं, और इसे अभी थोड़ा बहुत और फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इसका जो कलर है चेंज होके थोड़ा हल्का हल्का रेड हो जाए। और देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं रेड हो भी रहे हैं। तो थोड़ी देर और फ्राई करके इसे आलू को निकाल लेंगे। तो गाइस देखिए इसका कलर हो गया है चेंज। अब हम आलू को निकाल लेते हैं, क्योंकि आलू हो गया हमें फ्राई काफ़ी अच्छी तरीके से। और निकालने के बाद हम आलू दम को बनाते हैं एकदम मस्त तरीके से। तो गाइस ये रहा तेल, और ये निकाल दिया हमने आलू। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये। तो गाइस इसके अंदर मैंने ग्राइंडर कर रखा है प्याज टमाटर और मिर्च को, और ग्राइंडर करने से पहले मैंने उन्हें फ्राई कर दिया था, मतलब इसमें फ्राई करके और आधी फ्राई किया था गोल्डन फ्राई, और उसके बाद इधर पीस लिया था। ये हमारा मसाला है। अब मसाले से पहले अब हम इसमें जीरा डालेंगे, जीरा लाल होने देंगे, और लाल होने के बाद हम ये मसाला अपना जो कि हमने तैयार किया है उसे ऐड करेंगे। तो जीरा लगभग लाल हो चला, हम मसाला ऐड करते हैं। देखिए गाइस कितना ज़्यादा ये गरम है, थोड़ा ध्यान से करना है, हाथ उतना जले। तो ऐड कर लिया मैंने, और ऐड करने के बाद इसमें मिक्स कर लेंगे। तो गाइस ये देखिए मसाला मैंने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर ऐड करूँगा 2 चम्मच लाल मिर्च, तो 1 चम्मच और 1 चम्मच और 2 चम्मच लाल मिर्च ऐड करूँगा, 1 चम्मच हल्दी ऐड करूँगा, और 2 चम्मच धनिया पाउडर। तो गाइस पहले मसाला डालते ही ये ऐड कर लेंगे, और 1 चम्मच गरम मसाला, और अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। और नमक हमें ऐड करना है स्वाद अनुसार अपने हिसाब से। तो मैं इसमें 2 चम्मच नमक ऐड कर लेता हूँ, बाकी अब आपको जैसे सही लगे। और मिर्ची लाल मिर्च भी ऑप्शनल है, अपने अनुसार स्वाद अनुसार ऐड करना है। तो ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस इसे अच्छे से मिला लेंगे, और गाइस मिलाने के बाद इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे कि ये ऑयल है, ऑयल और ज़्यादा छोड़ दे और ये जो मसाला है हमारा तैयार हो जाए। तो अब इसे बंद कर देंगे। तो गाइस अब हमने इसे बंद कर लिया है, और 10 मिनट तक हम छोड़ देंगे इसे अपना मसाले को पकने के लिए। तो गाइस देखिए 10 मिनट हो गए हैं, और देखिए किस प्रकार से हमारा मसाला तैयार हो गया है, पानी भी छोड़ दिया है। तो इसके अंदर पहले तो हम आलू ऐड कर लेंगे। तो गाइस
जो हमने फ्राई करके निकाला था वो आलू हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे आलू को। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा आलू दम मसाले में मिक्स होते ही, काफ़ी ज़्यादा देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब हम एक काम करेंगे, इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि मसाला आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो अभी इसे 2 मिनट के लिए बंद कर देते हैं आलू के साथ। तो गाइस अब हो गए 2 मिनट, और देखिए किस प्रकार से हमारे आलू हो गए हैं। अब इसके अंदर बस पानी ऐड करना है। तो गाइस पानी अपने अनुसार ऐड करेंगे, मेरे हिसाब से तो कम पानी ऐड करेंगे जिससे कि हमारा आलू दम है मेरा बढ़िया लगे। रोटी पे खाना है तो गाइस कम पानी ऐड करना, अगर चावल पे खाना होगा तो थोड़ी ज़्यादा पानी कर सकते हैं। तो गाइस कर दिया पानी ऐड, तो हमारा ये 70% काम पूरा हो गया, 70 से 80%। अब 20% का काम ये है कि बस अपने आलू दम को छोड़ देंगे ऐसे ही 4-5 मिनट के लिए। 4-5 मिनट में हमारे आलू दम बन के तैयार हो जाएंगे गाइस। तो आलू को हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं मीडियम गैस करके। तो गाइस फाइनली हमारा जो आलू दम है वो बन के तैयार हो गया। ओ गाइस देखिए कितना बूम बूम बना है आलू दम। एक्चुअली मेरे को खाना बनाना काफ़ी अच्छा लगता है, पर पता नहीं चलता ख़राब है कि अच्छा बना है ख़राब बना, कुछ आइडिया नहीं हो पाता, खाने पे पता चलता। वैसे आप बताइए देखने में कैसा लग रहा है, तो मैं आपको मिक्स करके दिखाता हूँ। ओह काफ़ी देखने में तो काफ़ी स्वादिष्ट है आलू दम, और मसाले भी पूरी तरीके से मिक्स हो रहे हैं। तो गाइस हमारी तरफ से तो जैनमैन है आलू दम। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि हमारे आलू दम में क्या कमी रह गई है, और देखने में कैसा है, और आपको आपके हिसाब से कैसा बना है हमारा आलू दम, कमेंट में ज़रूर बताएं कि अच्छा है कि ख़राब है। क्योंकि अच्छा होगा तो ठीक है, इससे भी बेटर करूँगा नेक्स्ट टाइम, और ख़राब होगा तो अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। बाकी कमेंट ज़रूर करना। तो गाइस जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, मैंने आपको आलू दम की सब्ज़ी बना के दिखाया, और जो कि काफ़ी अच्छा बना था, मेरे को देखने में भी अच्छा लग रहा था। और आपको गाइस अगर ये आलू दम की सब्ज़ी अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए, और अच्छी नहीं लगी कुछ कमी है तो मेरे को कमी बताइए, क्या कमी रह गई है उसे मैं अगली बार ज़रूर पूरा करूँगा, और इससे भी अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे नए नए कंटेंट मैं आगे भी लाता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।